तो चैनल क्रिएट करना आप सीख गए, चैनल आपने बना लिया, बट अब उसमें हमें एक लोगो क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद चैनल पर शेयर करना होगा। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक प्रोफेशनल चैनल लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। लोगो को भी बना सकता है बट प्रोफेशनल बनाना मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आप एक प्रोफेशनल लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों बता दूं, लोगो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाय द वे, अगर आपकी कोई वीडियो चल गई तो यहां पर आपके चैनल को लोग आपके लोगो से ही पहचान पाएंगे। और यहां पर कुछ इस तरह का लोगो बिल्कुल मत लगाएं कि आपने पबजी वगैरह किसी की फोटो लगा दी और उसके बाद आप सोचे कि अब हम फेमस हो जाएंगे और हमारा लोगो फेमस हो जाएगा। नहीं, पबजी तो बहुत लोगों ने यूज कर रखा है। आपको यूनिक चैनल लोगो क्रिएट करना है जिसके कारण से लोग आपके चैनल को बहुत अच्छे से पहचान पाए। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे प्रोफेशनल लोगो किस तरीके से बनाए। बट दोस्तों उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए टेक्निकल हसन यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधा चलते हैं फोन की स्क्रीन पर, समझते हैं कि हम एक प्रोफेशनल चैनल लोगो किस तरीके से बनाएंगे। एक प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए हम दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, एक पिक्चर लैब, एक पिक्सआर्ट। पिक्चर लैब से बनाना बहुत ईजी है, वहीं पिक्सआर्ट से बनाना थोड़ा मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम आपको पिक्चर लैब से बनाना सिखाएंगे। लोगो कुछ इस तरीके से है इसका। पिक्चर लैब प्ले स्टोर पर आपको सिंपली से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पिक्चर लैब को ओपन करेंगे। यहाँ पे कोई टेक्स्ट आएगा उस पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे उसको, ठीक है। अब थ्री लाइन पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद इमेज साइज यहाँ पर आपको कस्टम है, इसी पर क्लिक करके स्क्वायर कर देना है एंड देन यहाँ पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी। तो मैं यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक किया, कलर पर क्लिक किया और यहीं से मैंने बैकग्राउंड कोई तैयार करके रखा है ये, ठीक है, ये करके रखा है रेड वाला। करेक्ट हिसाब से क्लिक कर देंगे, आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए ऐड वाले इंसान पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और ये न्यू टेक्स्ट आ चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा एडिट पर जाके, जैसे कि मुझे बनाना है टेक्निकल हर्षित का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टी टाइप करूँगा, ठीक है, और ओके कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ये देखिए यहाँ पर ए वाले पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर एक साइज़ का ऑप्शन आएगा आपको, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको साइज़ एडजस्ट कर लेना है। साइज एडजस्ट करने से पहले आपको एक काम करना है, यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, फॉन्ट पर क्लिक करिएगा। यहाँ से आपको एक कोई फॉन्ट चूज कर लेना जो भी आप वीडियो पे लगा सकते हैं। मैंने अलग से इंस्टॉल करके रखे हैं, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अलग से, अगर नहीं आता तो कमेंट करना, ठीक है। तो ये मैंने फॉन्ट चूज कर लिया, आप अपनी इच्छा से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। ये मैंने चूज कर लिया, यहाँ से साइज़ का एडजस्ट कर लिया। साइज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 280 मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कहीं से भी बीच में रख दिए गए। अब उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले पे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद इसको आपको लॉक कर देना है। अब लॉक करने से क्या होगा कि ये आपको टच गलती से होगा तो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा, हो गया सो हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐड वाले निशान पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम एच टाइप कर देंगे, टेक्निकल हर्षित, ठीक है, ओके कर देंगे। फिर से हम साइज फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट चूज कर लेंगे, जो पहले चूज किया था वही फिर से चूज करना है, ओके। अब जो हमने साइज उसमें 290 रखा था तो यहाँ पे भी साइज में जाकर इसको हमें 290 करना है, छोटा बड़ा नहीं करना है वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर छोटा बड़ा हो जाता है तो उससे फिर आपका जो लोगो है ना प्रोफेशनल नहीं लगता है। करेक्ट हिसाब में क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहीं पर आपको इसके सामने ऐड लाना है बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक मिनट की इसको लॉक अनलॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आप कोई सा भी यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं टी पे कर देता हूँ, कौन सा, ग्रीन, ठीक है। एच पे कर देता हूँ येलो, ठीक है, तो ये मैं येलो कर दिया। लाइव आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं इसको। एच पे क्लिक किया, यहाँ पर गया, स्ट्रोक ऑन कर दिया, ओके, टी को भी कर दे रहा। स्ट्रोक से क्या होता है, ये ब्लैक आउटलाइन आ जाती है। अब इसको हम दोनों को क्या कर देते हैं, रो, अच्छा, ठीक है, एक काम हो गया। अब यहाँ पर हमें नीचे टेक्निकल हर्षित लिखना होगा, तो वहाँ पर ऐड के निशान पर टेक्स्ट एडिट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्निकल, ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ से आपको कोई सा भी फ़ॉन्ट चूज कर लेना है, मैं आपको सामने जस्ट बना के दिखा लूँ, इसलिए मैं कोई सा भी उल्टा सीधा फ़ॉन्ट चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद स्ट्रोक इसको जरूर देना है आपको, शैडो भी दे देना है, ठीक है। यहाँ से आपको कलर चूज कर लेना, तो मैं बाहर ही रखता हूँ इसको, तो ये मैंने टेक्निकल लिख दिया। आप अच्छे से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। एड के निशान पर क्लिक किया, टेक्स्ट पर गया,
अब मेरे को क्या लिखना है, हर्षित। यस, तो हर्षित भी लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके पे क्लिक किया, फॉन्ट पे गए, फॉन्ट चूज किया मैंने, स्ट्रोक को जरूर देना है, शेडो भी ऑन कर देना है। अब इसका कलर हम वाइट नहीं रखेंगे, इसका कलर हम कोई दूसरा रखेंगे, तो इसको मैं कर देता हूँ येलो, नहीं नहीं ग्रीन करते हैं, येलो भी अच्छा लग रहा है बट हम ग्रीन करेंगे। ओके, आप अपनी इच्छा से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसी के सामने, इसी के जस्ट नीचे हम एडजस्ट करके रख लेंगे। अब देखिए इसको हमें गोला टाइप में बनाना है, ठीक है, तो इसको हम पहले सभी को लॉक कर देते हैं। ओके, लॉक कर दिया, अब हम ऐड के निशान पे, नहीं नहीं सॉरी, ए के साइड वाले निशान पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे, शेप्स के क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे, ठीक है, उस पे हम सर्कल चूज कर लेंगे जो कि सेकेंड नंबर पे है। ओके, अब हम इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यस, ठीक है, मतलब ये दिखना नहीं चाहिए आपका टेक्स्ट। उसके बाद ये ओपेसिटी का है, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ओपेसिटी, देखिए ओपेसिटी दो ऑप्शन आएंगे, एक नीचे एक ऊपर, बट हमें ऊपर वाला ओपेसिटी हटा देना है। अब हमें नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर एक स्ट्रोक आएगा, स्ट्रोक को आप इस तरीके से, स्ट्रोक को आपको बढ़ा देना है, ठीक है, जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रोक का कलर चूज कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर कलर ब्लैक ही रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक ब्लर रेडियस का, मैं ब्लर रेडियस ये कर सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर आप स्ट्रोक विड्थ देख लीजिए, आप कितना करना चाहते हैं स्ट्रोक विड्थ, ओके इतना करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेना है, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये आपका गोला तरह का बिल्कुल अच्छे से हो जाए, ठीक है, इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट निशान पे क्लिक कर देंगे, अभी हमारा लोगो तैयार हो चुका है कुछ कुछ, बट अभी हमें इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे अभी बताता हूँ। तो अब हमें इसी को पहले सेव करना होगा, तो थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट इमेज पे करेंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। अब हमें पिक्चर लैब को बंद कर, अब हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो हम फिर से पिक्चर लैब ओपन करेंगे, कैंसिल पे डिलीट, यस। अब हमें देखिए क्या करना है, ऐड के निशान पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी करना है। अब यहाँ पर हमें वही फोटो पे से सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, और इसको अब हमें बड़ा करना है, तो वो कैसे करेंगे, करेक्ट निशान पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इसको, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, ए के साइड वाले पे, इस पर, ठीक है, तो यहीं आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिलेटिव साइज का इसी पे क्लिक करना है और इसको आपको इस तरीके से फुल कर देना है। उसके बाद आप अपने हाथ से इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए इसको बड़ा करें, मतलब ये इसमें सेट हो जाए, ये स्क्वायर डिफॉल्ट आएगा, इमेज साइज स्क्वायर वो डिफॉल्ट रहता है इसमें, इस तरीके से हमें इसको बड़ा कर लेना है। सपोज दैट इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं हम, ये देखिए बड़ा हो गया। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज सेव टू गैलरी, पिक्चर लैब एक बार फिर बंद करना है, अब फिर दोबारा से पिक्चर लैब ओपन करना है, कैंसिल के निशान पे क्लिक करना है, स्क्वायर ऑटोमेटिक चल रहता है, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इमेज साइज स्क्वायर, ठीक है, फिर हमें ऐड के निशान पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी करना है, यहाँ से हमें ये फोटो सेलेक्ट कर लेना जो कि अभी हमने जस्ट सेव की थी। उसके बाद यहाँ पर लॉक के साइड में ये गोला वाला निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आपको मेरी तरफ मुझे फॉलो करते रहिए, इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे हम। ओके, इस तरीके से कुछ अच्छे से एडजस्ट करना है आपको, मैं तो ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद करेक्ट निशान पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको आपको बड़ा कर लेना है, जितना बड़ा आप यहाँ पर हो सके, ये कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया। अब हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है, तो यहाँ उसके लिए हम क्या करेंगे, चौथे वाले ऑप्शन पे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट पे कर देंगे, ट्रांसपेरेंट हो गया कहीं पे भी। अब आप यहाँ इसको सेव करेंगे, ऐड करेंगे अपने चैनल पर, तो बैकग्राउंड इसका नहीं आएगा, ठीक है, तो थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट इमेज करेंगे, फॉर्मेट PNG सेलेक्ट करेंगे, सेव टू गैलरी कर देंगे, ये हमारा हो चुका है एक प्रोफेशनल लोगो तैयार। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि आप एक प्रोफेशनल चैनल लोगो किस तरीके से बना सकते हैं, मैंने लाइव आपको बना के दिखाया है। अब आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल चैनल लोगो बनाएंगे और अपने चैनल पर जरूर से शेयर करेंगे। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो इतना ही, देखने बहुत पसंद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी, अगर पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं हर से आपसे मुलाकात करता हूँ एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।